कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद की जय। बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नरे गुरुपाद पद्मा नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदास नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाचित प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण कदी जो ग्रंथ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपदेशामृत है। कदी अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने प्रभुपाद को अलग अलग प्रश्न किया है, इसलिए प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया है कदी ये ग्रंथ है प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया है उसको मैंने बड़ोत में भी कभी थोड़ी मैंने पाठ किया था, इसलिए आज एक दो प्रश्न उत्तर सुन लेते हैं। इसलिए किसी ने प्रश्न किया विग्रह क्या साक्षात भगवान है? हम जो विग्रह को पूजा कर रहे हैं क्या ये विग्रह ही साक्षात ठाकुर जी है? तो प्रभुपाद कहते हैं कहते निश्चय, इसलिए जो विग्रह है वो साक्षात भगवान है। इसलिए जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान ये विग्रह रूप में प्रकटित हुए हैं। इनकी एक कथा थी है, बोले एक समय नारद जी घर घर में गए, उनसे पूछे सब ठीक ठाक हो, सबके सब सिर हिलाया। लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछने के लिए गए एक को भी जगत में सुखी उन्होंने देखा नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी 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 है। देख करके नारद जी वैकुंठ में गए, लेकिन देखा वहाँ पर तो ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किए हुए है, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और सारे देवता लोग शांतागारम भुजग शयनम उनको सुंदर स्तुति कर रहे थे, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। इतने में नारद जी ने कहा प्रभु आप तो दुनिया को आपने सृष्टि किया। बोले हाँ। बोले सृष्टि किया तो आपने दुनिया को, और मैंने हर घर घर में गया, हर जीवों को पास में गया, सबको पूछा तुम ठीक ठाक हो, कोई भी संसार में ठीक नहीं है, कोई राइट नहीं, सबके सब रंग सबके सब मैंने देखा, किसी को भी संसार में एक व्यक्ति को चैन से मैंने देखा नहीं, वो संसार में चैन में सब बेचैन में है। तब बोले प्रभु जब तक ये जीव तुम्हारी सेवा नहीं करता है, हैं तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा, कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पाऊंगा, भगवान से विमुख हो करके जगत में किसी को सुख मिला ही नहीं है। जब तुम्हारी भक्ति सेवा करेगा तब तो सुख मिलेगा, इसलिए कम से कम अपना सेवा तो दो जीवों को, तभी तो जीव का कल्याण होगा। इसलिए थोड़ी सी वैकुंठ से नीचे उतर, थोड़ा जीवों को सेवा दो। बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ। बोले वैकुंठ किसने वैकुंठ किसने देखा? सुना हम लोगों ने, थोड़ी देखा है, थोड़ा नीचे उतर। बोले मैं रमा वैकुंठ में हूँ, एक वैकुंठ जो माया से ऊपर है, ब्रह्मांड से ऊपर है, एक वैकुंठ जो ब्रह्मांड का अंतर्गत है। बोले मैं रमा वैकुंठ में हूँ। बोले रमा वैकुंठ किसने देखा है? बोले और थोड़ा नीचे उतर। बोले स्वर्ग में भी हूँ। कहते इंद्र का छोटा भैया उपेंद्र श्री बामन रूप में हूँ। बोले स्वर्ग तो सब लोग सुना, स्वर्ग कोई जागा, लेकिन हमने थोड़ी देखा स्वर्ग, देखा स्वर्ग देखा नहीं ना, सुने
इसलिए किसने देखा स्वर्ग है, थोड़ा और नीचे उतर। गौतम बोले मैं जीव का हृदय में हूँ, सभी का हृदय में। कहते एक है टहनी और उसमें दो चिड़िया बैठे हुए, एक तोता तो खट्टा मीठा फल खा रहा है लेकिन एक जो चिड़िया वो केवल साखी रूप में दर्शन करता है, हैं केवल साखी रूप में दर्शन करता है। कहते खट्टा मीठा फल कौन खा रहे, बोले जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी, बोले देख रहा है कौन, बोले परमात्मा। ये केवल साखी रूप में, किसमें इन्वॉल्व नहीं होते, यद्यपि हृदय में है लेकिन वो तटस्थ रूप में, तो बोले देख रहे हैं। हमारे हृदय में ठाकुर तो है लेकिन दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है नहीं, हमारी अनुभूति नहीं है। बोले प्रभु और थोड़ा नीचे उतर। जब उन्होंने बोले तब ठाकुर जी जो विग्रह रूप में लड्डू गोपाल कृष्ण महाप्रभु राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रूप में नारद जी बोलने पर ठाकुर जी को नीचे उतर कर आना पड़ा, है नीचे उतर कर आना पड़ा। कहते ये एक कथा, इसलिए श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर वो कहते हैं भगवान की पांच रूप है, एक पर रूप है, एक बोम रूप है, एक ऐसे ऐसे उनने पांच रूप उनने बताए भगवान की, है पांच रूप बताए। तब एक बढ़िया उन्होंने उदाहरण देकर समझाए, भले किसी व्यक्ति को बोले भैया मेरे को प्यास लग रही है, बोले पानी पिला, बोले पानी देखो आकाश में जो मेघ है ना, आकाश में जो मेघ दिख रहा है उसमें पानी है पी लो। बोले भैया प्यास लग रहा है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आकाश में पानी है, हाँ थोड़ी वो यद्यपि पानी है आकाश में लेकिन वो थोड़ी हमारे प्यास बुझा सकती है, वो प्यास नहीं बुझा सकती है। बोले भैया पानी पीना था अभी मुझे, बोले जाओ वहाँ नदी गंगा जमुना बह रहे वहाँ पर पानी पी लो। बोले प्यास हमें यहाँ लग रही है, आप कहते गंगा जमुना चली जाओ, हाँ इतना दूर जाएंगे उसको पहले तो खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें तो पानी अभी चाहिए पीने का। बोले तुम जहाँ पर खड़े वहीं पर पानी है, बोले कहाँ पर, बोले नीचे देखो मिट्टी को नीचे पानी उसको पी लो। बोले भैया प्यास लग रही है, बोले नीचे का मिट्टी तो पानी है लेकिन उसके लिए खुदाई करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर जा पियोगे। बोले पानी है, हाँ बोले पानी दो, बोले तो ऊपर जो टांकी है ना उसमें पानी है, ऊपर का टांकी में पानी है पी लो। बोले प्यास लग रहा है यहाँ पर और तुम हमें टांकी दिखा रहे हो वहाँ के पानी पी लो। तो बोले मेरे को पानी चाहिए, बोले पानी चाहिए ना, बोले देखो यहाँ पर बड़े सुंदर टांकी लगी हुई और उसमें पाइप भी आया है और यहाँ पर टोटी लगी हुई है और ये ग्लास रखा हुआ है और ग्लास से लेकर के पानी को पी लो, ग्लास से लेकर पी लो। हाँ बोले ये हमारे लिए सही है, ये सही है, हैं टोटी लगा हुआ ग्लास रखा हुआ पानी पी लो। कहते उसी तरह भगवान की विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते भगवान की पांच रूप है ना, बोम रूप पर रूप ऐसे परमात्मा रूप ऐसे पांच रूप उन्होंने बताए। लेकिन पांच रूप होने पर भी लेकिन हमारा लिए यद्यपि वो रूप है भगवान की लेकिन हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए ये है उपयुक्त नहीं। हमारे लिए कौन उपयुक्त है, ये जो अंदर में ठाकुर जी बैठे हैं लड्डू गोपाल रूप में राधा कृष्ण रूप में बैठे, ये हमारे लिए उपयुक्त है, है? जैसे भगवान को दर्शन करना कोई साधारण बात है। कहते यद्यपि समाधिशु ब्रह्मा भी तपस्या करते करते जिनकी चरण की नख की छटा तक को भी स्मरण नहीं कर पाते, दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यामे, हैं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, भगवान का चरण ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी की उनकी अर्चित पद भगवान की है। इसलिए भगवान के इतना दुर्लभ है लेकिन भगवान जीवों को ऊपर कृपा करने के लिए जो भगवान को दर्शन करना इतना दुर्लभ है लेकिन आज को भगवान इतने सुलभ हो गए, ठाकुर का सबर दर्शन हो गया, दर्शन हो गया कि नहीं, बाहर दरवाजा खोल के ठाकुर का दर्शन हो गया, है ठाकुर जी लड्डू गोपाल रूप में राधा कृष्ण रूप में ठाकुर जी साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं और ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए। कभी कभी ठाकुर जी को इस लड्डू गोपाल है कभी हाथ में रख कर उनका स्नान कराते हैं, स्नान करा कर फिर कपड़ा से पोछा लगाते हैं, लगाते कि नहीं ठाकुर जी को, आप भगवान को अपना हाथ की मुट्ठी में ले आए ठाकुर जी को,
हैं। और जब इच्छा हो ठाकुर जी को भोग लगा, नारद जी भगवान को प्रसाद पाने के लिए कितने हजार साल तक माँ लक्ष्मी की उन्होंने सेवा की, केवल थोड़ी सी प्रसाद पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की। लेकिन आज देखो, जब इच्छा बढ़िया खाना बनाओ, ठाकुर जी के सामने तुलसी पता से भोग लगा दो, आज प्रसाद पाओ। जो नारद इतने कठोर की, लेकिन अभी ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए। ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाओ, ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर अलका तिलक लगाओ ठाकुर जी को, हैं, ठाकुर जी को साक्षात रूप में तिलक लगाओ, ठाकुर जी को सेवा करो। बस इतने जो दुर्लभ भगवान, ये सुलभ रूप में ठाकुर जी हमारे पास में सुलभ रूप में आ गए। इसलिए यही ठाकुर ही भक्तों के साथ में बात करते हैं, भक्तों के साथ में बात करते हैं। लेकिन करेंगे कब? जब इनकी प्रीति को साथ में सेवा करोगे। देखो, आपको एक भक्त का कथा सुनाता हूँ। भक्त मतलब हमारे वृंदावन में एक रमेश नगर से एक माता जी आती थी। हाँ, माता जी रमेश नगर से माता जी आती थी, इसलिए हाँ अम्मा अम्मा जी आती थी। वो क्या करते थे, तो चार उसको लड़के हैं, उसको एक दो लड़का विदेश में भी है, भारत में भी है। उनका हर बच्चे को जो हाथ खर्चा के पैसा देते थे, लेकिन वो कभी भी वो पैसा को एकदम साधारण साड़ी पहनती थी, एकदम साधारण साड़ी, अपना लिए कोई भी बढ़िया कीमती साड़ी नहीं, एकदम साधारण। लेकिन वो जो बच्चे हाथ खर्चा देते थे, वो कुछ भी खर्चा नहीं करते थे, उसको जमा करते थे, वो पैसा को जमा करते थे। क्या करते थे, महीना में एक बार वृंदावन आएगी, वो जो पैसा को हाथ खर्चा के लिए दिए, हमारे जितने गौड़ीय मठ के संतों को बुलाएगी, बुला करके महीना में एक बार उनको भंडारा देगी, महीना में उनको एक बार भंडारा देगी, अपना हाथों से प्रणाम देगी। और हम लोग तो सब सब्जी साग सब्जी सब बना देते थे, लेकिन वो बहुत बढ़िया कढ़ी बनाना जानते थे, वो अपना हाथों से कढ़ी बनाते थे, और जिसको जितना उबाल उतना बढ़िया बनता है, उसका चौंक बड़े अच्छे तरह से चौंक देती थी। वो बड़े शौक थी, दोनों पति पत्नी आ करके सारे संतों को सेवा करती थी। और उसको पास में राधा कृष्ण जुगल की मूर्ति थी इनको पास में, और हारमोनियम बजाना जानती थी। ठाकुर को सामने बैठ करके रोज शाम को हारमोनियम से ठाकुर को बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाया करती थी। और जब जब वृंदावन में आती थी, तब तक यहाँ से एक नंदकेश्वर का एक वहाँ पर ये ठाकुर जी का जो कपड़ा बेचता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, ऐसे नहीं घटिया कपड़ा नहीं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर के जाएगी। ये नहीं सोचेगी नहीं ठाकुर का तो 10 सेट 20 सेट है, इसलिए और क्या खरीदी करने का जरूरत है, नहीं। जब जब आएगी जाएगी तो इतनी सेट बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर जाएगी, और ठाकुर को और रोज अपना हाथों से ठाकुर जी का अपना हाथों से स्नान कराएगी, स्नान करा करके कपड़ा पहनाएगी, तिलक लगाएगी ठाकुर जी को, और 1 लाख रोज हरिनाम करते थे। 1 लाख जब वो एक महीना में आती थी, यमुना में जब जाती थी 30 गोता लगाती थी, 30 दिन के लिए वो 30 गोता लगाती थी। 30 दिन नहीं आ पाया, 30 दिन में एक दिन आया। जब राधा दामोदर में जाती थी 30 परिक्रमा लगाई राधा दामोदर, रोज रोज का मतलब कितने अच्छी भावना उसकी, देखो उसकी भावना। और मेरे साथ में सारी बात करती थी, मेरे को कभी बोलती बाबा जो ठाकुर बोले नटखट ठाकुर है, वो अपना अनुभूति कहती थी, बोले जब कभी मैं खाना बना कर खिलाती ना, अगर उसको पसंद नहीं, मेरे को अनुभूति होती तो मुँह खिला कर बैठा, बोले नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमारे लिए और कोई खाना बना करके दो। और जब ठाकुर को हमने कपड़ा पहनाया करती थी, अगर उसका पसंद नहीं होगा तो पहनेगा नहीं, अपने आप निकल जाएगा, फिर मैं समझ जाऊँगी आज ठाकुर को ये कपड़ा पहनने का इच्छा है ही नहीं, फिर मैं दूसरा कपड़ा पहनाती थी, लेकिन वो दूसरा कपड़ा भी निकल जाती थी अपने आप, दूसरा कपड़ा निकल जाती थी, फिर मैं क्या करती थी, फिर और एक कपड़ा पहना करती थी। जब तक उसका मन पसंद नहीं होगा, तब तक वो कपड़ा शरीर में नहीं रहेगा, कपड़ा नहीं रहेगा, वो निकल जाती थी वो कपड़े को, हैं। और कहती है अद्भुत अद्भुत लीला करती हैं, हैं, वो बताया करती थी, सारे उनकी बात बोलती थी। एक बार मैं जा रहा था काम्या बंद होकर के जयपुर जा रहा था, और अपना हाथों में जहाँ जहाँ जाएंगी ठाकुर को साथ में लेकर जाएगी, कभी भी ठाकुर को छोड़ करके नहीं जाएगी, अपना ठाकुर को साथ में लेकर के जाएगी। बड़े सुंदर उन्होंने झाड़ी या टोकरी थी साइन करा के अपना साथ में सारे ठाकुर को ले जाएगी, और लेकर के अपना हाथ में खिलाना, अपना हाथ में उनको श्रृंगार करना, रोज करती थी ठाकुर को सेवा। हाँ,
ये रोज करती थी, तो मेरे को सारे अनुभूति की बात बताया करती थी, सारे अनुभूति की बात। देखो जिसका शरीर छोड़ी थी, देखो उसको अंतिम इच्छा थी मेरे शरीर को, मैं कहीं भी शरीर छोड़ू, मेरे को वृंदावन में दाह संस्कार करना है, दाह संस्कार वृंदावन में करना। देखो कैसे शरीर छोड़ी उसने, उसी दिन मेरे पास में फोन आया जिस दिन शरीर छोड़ेगी, बोले मेरे मेरा नाम तो पहले दशानंद था नाम था, हाँ उसी नाम से मेरे को बोलती थी, बोले महाराज जी मैं पैसा कुछ भेज रहा हूँ, आप सारे संतों को बुला करके आप सबको भंडारा दे देना, और सबको 30-30 रुपया देना, हम भंडारा के लिए अलग पैसा भेज रहा हूँ, और संतों को प्रणाम देने के लिए अलग पैसा भेज रहा हूँ, और वहाँ पर सारे संतों को प्रसाद दिला देना। सवेरे मेरे पास में फोन आया, सवेरे फोन आया, थोड़ी देर बाद में सुना शरीर छूटा, शरीर से छूट गया। बोलते बोलते वो बात करते करते सवेरे मेरे को बोले भेज रहा हूँ संतों को प्रसाद खिलाना, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में फोन आया अम्माज ने शरीर छोड़ दिया है, हैं वो कार्तिक महीना में, मेरे कार्तिक महीना में उसने शरीर छोड़ा है। इसलिए शास्त्र में बताए अनायसन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित तो गोविंद शरणम भजनम कथम श्याम। ये भागवत का श्लोक है, इसका मतलब है अनायासेन मरणम, बिना दुख कष्ट के मृत्यु होना, अनायासेन जीवनम, बगैर दुख कष्ट के हमारी जीवन को बिताना, किसका जीवन ऐसे बीतता है, बोले अनाराधित तो गोविंद शरणम कथम स्यात्। बोले जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक तो तुम्हारी अनायास में जीवन भी नहीं जाएगी, और निश्चित रूप में तुमने हाँ अनायास में मर भी नहीं सकते हो, तब भी जाए करे होगा कैसे, जो गोविंद की भक्ति करोगे भजन करोगे उनकी कृपा से ही जीवन तुम्हारी आनंदमय बीत सकता है। और मृत्यु का समय में आप लोगों को देखना कितने सालों से पड़े रहते हैं, हाँ सड़ते रहते हैं बिस्तरा में, सड़ते रहते हैं, प्राण नहीं जाती है सहज में है, लेकिन भागवत कहता है उसका ही जीवन तब भी अच्छे तरह से जाएगा जब भगवान की भक्ति करेगा निष्कपट होगा, तब भी जीवन जा सकता है। हमारा मंदिर में और एक था कैलाश प्रभु, जाना सुना, एक कैलाश प्रभु थे गांव के, एकदम मूर्ख आदमी है, एकदम मूर्ख आदमी गांव के, एकदम मूर्ख आदमी है, लेकिन इसका भावना कैसे है, ठाकुर को जो आरती है ना जब होगा वो बोलेगा मैं आरती सबको लेकर मैं आरती दिखाऊंगा, और एक माता जी थी वो थोड़ा टेढ़ी थी, वो करती थी लड़ाई कर देती थी उसके सामने, और ठाकुर जी को जो बर्तन है जो जिसमें ठाकुर की अर्चन की बर्तन किसी को मलने नहीं देगी, और एक माता जी वो जोर जबरदस्त करना चाहती थी, एक दिन सवेरे तो महाभारत हो गया, महाभारत हो गया, दोनों में कहती ये मैं मलूंगी, एक कहते मैं मलूंगी, दोनों में लेकिन ये मल करके छोड़ेगा है, ठाकुर को बर्तन हम किसकी मलने नहीं देंगे। और जो रूप सनातन में तो नाथ मंदिर है उसको अपना हाथ से पोछा लगाएगा, अगर कोई पोछा लगा दिया ना लड़ पड़ेगा, अगर पोछा लगा दिया ये नहीं छोड़ेगा, तो तू लगाए लगा मैं लगाऊंगी, वो मंदिर को पोछा लगाएगा। और सवेरे जैसे नाश्ता होती, देखो उसकी भावना, इतने मूर्ख आदमी भावना कैसे, जब तक सवेरे कुछ सेवा नहीं करेगी ठाकुर जी को वो ठाकुर का प्रसाद नहीं पाएगा। मैं बोलता था कैलाश प्रभु प्रसाद पा, बोले पति का अभी तक मैंने कुछ सेवा नहीं की मंदिर में, जब तक उनकी सेवा नहीं करूंगा तब तक उनका प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैंने आश्चर्य, गांव के मूर्ख आदमी है, मूर्ख आदमी गांव के, भावना क्या है, बोले जब तक उनका सेवा नहीं करूंगी पति की तब तक मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ, भोजन नहीं कर सकता हूँ, तब तक वो भोजन नहीं करेगा जब तक सवेरे ठाकुर जी कुछ सेवा नहीं कर लेगा। वो बोलता था ठाकुर का हम ऋणी बन जाएंगी, एक व्यक्ति खाने के लिए कितने कष्ट करता है, 8-8, 10-10 घंटा काम करके भोजन तभी मिलता है, और जब तक हम मंदिर में रह रहे हैं जब तक पति का सेवा नहीं करूँगा तब तक भोजन कैसे करूँगा। और जो चावल आता था एक एकड़ बीनता था, उसमें एक भी धान नहीं होनी चाहिए, सब्जी अमनिया करता था, हाँ सब्जी अमनिया करता था, और कभी भी अगर जब सारी सेवा खत्म हो जाएगा ना, बस बैठ करके माला लेके
अरे माला जप करता था भगवान माला, और देखो उसका मृत्यु कैसे, एकादशी का दिन मृत्यु हुई, एकादशी का दिन मृत्यु हुई। और जब जब वो सोता था, जो गंभीरा है ना गंभीरा, फिर वो गंभीरा बीच में जो रूप सुना वो उसमें रहता था, रह करके लास्ट जब वृद्ध हो गए, अभी गुठन में उनको दर्द होता था, लेकिन जब सोते जब आरती होगी वो जो कुछ बोलता था मुंह खोल करके, मैंने कैलाश ठाकुर का आरती होगी उठो, मतलब बहुत लास्ट में चलने में दिक्कत होता था, रॉड को पकड़ पकड़े चलते थे, बोले उठो, उठोगे नहीं, आरती होने जा रही है, अब सुना है तुम्हें, नहीं सुना, उठ जाओ कैलाश उठो, ठीक आरती का समय में ठीक उठ करके आ जाएगा। आकर के चलने में कष्ट होता था, ठाकुर का आरती के बाद में सबका आरती दिखाना सेवा करना करता था। और जब शाम को 4 बजे जैसे रूप सनातन में कथा होती थी, मेरे को बोलता उड़िया प्रभु, पता नहीं उसको घड़ी भड़ी मूर्ख आदमी, लेकिन पहला आदमी का अंदाज किया है, बोले कीर्तन का समय हो गया, अभी कीर्तन आरंभ नहीं हुआ, उड़िया प्रभु अभी हाँ कीर्तन सुर नहीं हुआ, कीर्तन टाइम हो गया कीर्तन का, पता नहीं उसको बिना घड़ी के एकदम 4 बजे ठीक मेरे को पुकारना शुरू कर देगी है, और जब तक मैं कीर्तन में नहीं बैठूंगा ना तब तक वो पुकारते रहेगी समय हो गया अभी ठाकुर का कीर्तन नहीं हो रहा है, 4 बज गया ऐसे। और जब मृत्यु हुई, खा पी करके दोपहर में प्रसाद पाकर खा पी करके सोने के लिए गए, और सोते सोते ही कार्तिक में एकादशी का दिन शनि छुआ, सो कर गए दोपहर में, लेकिन शाम जब हो गया देखा वो कीर्तन में नहीं आते, क्यों कीर्तन में तो बाबा जी महाराज अभी है, बोले अभी तक वो कीर्तन में क्यों नहीं आए, क्या बात, रोज तो कीर्तन में आते थे, जाकर देखा महाराज शरीर छोड़े, गौर परमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते जो भगवान के जीवन में निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति पूजा सेवा करेगा ना, मैंने देखा उसका जो जीवन है आसानी से बीत जाती है, और उसका जीवन बड़े आनंद पूर्वक जाते हैं, और अनाज में कब चलते बोलते 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 शरीर छोड़ जाती है। वो जो अम्मा जी थी दिल्ली की, सारे वैष्णव लोग जाकर कीर्तन करते करते उनको शरीर ले आए दिल्ली से, कीर्तन करते करते सारे संत लोग गए, क्यों सारे संतों को भोजन देती थी, कपड़ा लता देती थी, हाँ सब आकर के कपड़ा देगी। और जब चंदन यात्रा में तुम छीले बोलते ना, चंद्र यात्रा में आकर के प्रसाद देगी, पूरा का पूरा प्रसाद कार्तिक में आकर के प्रसाद देगी, और कंबल ले आएगी, कपड़ा ले आएगी, जो ला करके अपने हाथों से सारे वैष्णव को अपने हाथों से वैष्णव कर देगी, भावना पूर्वक। हाँ गर्म जलेबी, कभी कभी गर्म गर्म जलेबी, सिंगड़ा हाँ और कचौड़ी, वैष्णव आए ठाकुर को ये भोग लगा, ठाकुर जी को ये भोग लगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जो विग्रह है जो ठाकुर जी है भैया, ये साक्षात भगवान है, आप इनको, मैं एक माता जी घर में जाता था मथुरा में भिक्षा के लिए, वो कानू घोष का नाम है, वो टेम्पियार में रहती थी, उसके घर में गिरिराज शिला था, वो मेरे को बोलती थी, अरे महाराज जी ये जो गिरिराज शिला में मेरे को अलग अलग रूप दिखता है, कभी राम रूप में दिखते हैं, कभी नरसिंह रूप में दिखते हैं, कभी कृष्ण रूप में दिखते हैं, ये ठाकुर को सेवा करती थी, बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करती थी, और बड़े गुरुदेव का खूब सेवा की, प्रचार उसने गुरुदेव की, घर घर में कीर्तन जाकर गुरुदेव का प्रचार की, बोलती ठाकुर जी मेरे को बोलती थी, मैं भिक्षा में जाता था उनके घर में, सीधा भिक्षा में जाता था, बोले बाबा महाराज जी इनका अंदर अलग अलग ठाकुर जी, अगर ठाकुर को सही सही सेवा करो ना, ठाकुर जी को प्रेम से सेवा करो, ठाकुर जी अलग 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 आपको अनुभूति कराएंगे। हाँ लोकनाथ दास गोस्वामी जब श्री राधा विनोद जी को प्रकट किया है, प्रकट किया तो ठाकुर जी कहते हैं बड़े दिनों में पानी में पड़ा हुआ था, भोजन नहीं किया, अरे मेरे लिए तो भोजन बनाओ, अभी रोटी सब्जी चावल बनाए, जब दिया ठाकुर को बगैर चाटनी के आनंद आता है, थोड़ा चाटनी तो बनाओ, तब इमली पता की चाटनी बनाया, ठाकुर जी भोजन किए, बोले बड़े दिनों से मैंने सोया नहीं, बिस्तरा की व्यवस्था कर दो, तब फूलों की सज्जा बनाए, ठाकुर को जब शयन दिलाया ठाकुर जी को, बोले नींद नहीं आ रहा है,
थोड़ा पैर तो दबा दो। उसके बाद जो पैर दबाए बोले ठंड गर्मी लग रहा है थोड़ा हवा तो करो। फिर उन्होंने कोमल कोमल पत्ते ला करके ठाकुर जी को उन्होंने हवा करवाई। ठाकुर जी साक्षात बोलते हैं, ठाकुर जी बात करते हैं ठाकुर जी, इसलिए इनका नाम है विग्रह। विग्रह मतलब क्या, जो विशेष रूप में भक्तों का सेवा को जो ग्रहण करते हैं, भक्तों की भावना को सेवा को जो ग्रहण करते हैं वो विग्रह। इसलिए यहाँ कह रहे हैं विग्रह न हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे बोले विग्रह नहीं, मेरे को तो साक्षात कृष्ण रूप में दर्शन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु गाए ना कदाचित कालिंदी तट विभिन्न संगीत करल मुदा मेरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। इसलिए महापुरुष जब दर्शन करते थे किस रूप में, बड़े सुंदर से वृंदावन धाम जहाँ पर सुंदर कलकल नाद से यमुना प्रद प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, यहाँ पर सुंदर कदम हैं, और जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के बंसुरी बजा रहे हैं, और उदाहरण दिया गोपियों की मुखारविंद जैसे कमल है, और जैसे कमल को ऊपर में भौंरा मंडराते हैं, उसी तरह कृष्ण रूपी जो भ्रम रहे हैं क्या कर रहे हैं, गोपियों के मुखारविंद रूपी कमल को ऊपर में ठाकुर जी मंडरा रहे हैं। ऐसे जो जगन्नाथ हैं इनकी चरण को ब्रह्मा शंभु अमरपति इंद्र गणेश जिनके चरण की सेवा करते हैं, कब मेरे दृष्टिपथ में ठाकुर का हाँ ठाकुर जी कब मेरे दृष्टि में कब उदय होंगे ठाकुर जी इसी रूप में। इसलिए कहते हैं प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री विग्रह भगवान अर्चा अवतार। कहते जो विग्रह क्या है, कहते भगवान के अर्चा अवतार है, कहते भगवान पूजा सेवा को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी ये स्वरूप को ठाकुर जी ग्रहण किया। निज हृदय देवताई बाहिरे मूर्ति रूपे प्रकाशित हो, तब जैव धर्म में बताए कहते भैया भक्त लोग तो कहते कहते हैं प्रेमा जन छोरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सु विलोक। हृदय रूपी मंदिर में संत लोग भगवान का दिव्य मूर्ति को है हृदय में सब समय दर्शन करते हैं। ले कब दर्शन करते हैं, जब प्रेम रूपी अंजन अपना आंखों में लगाए तभी दर्शन करते हैं। कहते पर ये विग्रह रूप में फिर क्यों स्थापन किया, कहते हृदय में तो हर समय दर्शन करते रहते हैं, तो ये ठाकुर रूप में फिर प्रकाशित क्यों किया। तब जब धर्म में भी वहाँ पर प्रश्न करते हैं तब उन्होंने बोले हृदय में तो ठाकुर जी कभी कभी दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते हैं, लेकिन जब फिर अंतर ध्यान हो जाता ना फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए वो हृदय में जो रूप उन्होंने दर्शन किया है वही रूप को ही उन्होंने सामने प्रकट किया। जब ये ठाकुर को दर्शन करते हैं हृदय में ठाकुर को दर्शन उन्होंने किया है, हैं कभी तो दर्शन करते हैं। जब हृदय में जब ये ठाकुर का दर्शन करते जो हृदय का जो देवता है इनको देख करके हैं प्रसन्न होते हैं, उनका ही उद्दीपना होता है। इसलिए उन्होंने साक्षात रूप में उन्होंने प्रकाश प्रकाशित किया। इसलिए कहते हैं ये विग्रह को क्या करनी चाहिए, बढ़िया रूप में इनको सेवा पूजा करो, यानी कि सेवा पूजा करने से। इसलिए महाप्रभु बोले कलयुग में मैं दो रूप में प्रकटित होऊंगा, एक तब मैं एक नाम रूप में प्रकटित होऊंगा, दूसरा रूप जो है ये श्री विग्रह रूप में प्रकटित होऊंगा। इसलिए मैं दो रूप में कलयुग में ये दो रूप में प्रकटित होऊंगा। इसलिए ये साक्षात भगवान है, इनकी भक्ति से ही इनकी सेवा पूजा से ही दुनिया में साक्षात भगवत प्राप्ति इनकी सेवा पूजा से ही होगा, और सही सही करेंगे तो ठाकुर हमारे साथ में बात भी करेंगे। जैसे सनातन गोस्वामी के साथ में बात करते थे हैं श्री हमारे संतों को साथ में ठाकुर जी, जैसे माधवेंद्र पुरी को साथ में बात करते थे शरीर में गर्मी है जाओ चंदन लेकर के लाओ मेरे शरीर में लगाओ। फिर चिंचरा गोपीनाथ पर पहुँचे तो ठाकुर जी खीर चोरी किया, बोले तुम इतना दूर ले जाओगे मैं और गोपाल में कोई फर्क नहीं, यहीं पर चंदन घिस कर मेरे शरीर में लगाओ, अगर मेरे को लगाओगे तो वहाँ अपने आप ठंडक हो जाएगी शरीर।
इसलिए अगर हम सही सही करेंगे तो यही ठाकुर हमारे साथ में बात भी करेंगे। ठीक है, गौर हरि हरि बोल।